सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच महर्षि पतंजलि के नाम को लेकर पनपे रार की खबरें आप पिछले कई दिनों से सुन और देख रहे होंगे, लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली को लेकर कौन क्या कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक न ही बाबा रामदेव और न ही 7-8 बार सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पतंजलि के जन्मस्थली को लेकर कोई कार्य किया है। सांसद पतंजलि के उत्पादों पर सवाल उठा रहे हैं और पतंजलि आयुर्वेद के मालिक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सांसद पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस लड़ाई के लिए अब सड़कों पर उतरने का ऐलान भी सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह कर चुके हैं और पतंजलि के खिलाफ आंदोलन की तैयारी हो रही है। लेकिन इन दोनों पक्षों ने गोंडा के कोंडर गांव, जो महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। ऐसा भी नहीं कि लोगों ने प्रयास नहीं किया है कि महर्षि पतंजलि जी की जन्मस्थली का विकास हो, लेकिन सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई, जिसको लेकर सांसद जी आज इतने तेवर दिखा रहे हैं। आपको जानने की जरूरत है कि आखिर इस स्थली के लिए ऐसा क्या हुआ जो सांसद के नेम और फेम के लिए अत्यंत जरूरी हो गया। लेकिन एक जनप्रतिनिधि है जिसने पतंजलि के जन्मस्थली के विकास के लिए धरातल पर काम किया है और वो है तरबगंज के विधायक प्रेम नारायण पांडे। तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे की मांग पर इस महर्षि पतंजलि जन्मस्थली के विकास के लिए 4,43,00,000 रुपए के बजट का अलॉटमेंट 18 अप्रैल 2022 को हो चुका है। यहाँ के विकास निर्माण कार्य का काम कभी भी शुरू हो सकता है। योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली के विकास को लेकर जो कार्य होने वाला है, या यूं कहें कि जन्मभूमि के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका श्रेय तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे को जाता है। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फरवरी 2022 में ही पत्र लिखकर महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली कोडर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग उठाई थी, जिस पर पर्यटन विभाग के उप निदेशक द्वारा प्रारंभिक सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और मूलभूत सुविधाओं को लेकर पीडब्ल्यूडी खंड 2 के अधिकारियों से सर्वे कराया। सर्वे के बाद पर्यटन स्थल के रूप में विकास कार्य करने के लिए शासन से 4,44,00,000 रुपए की मांग की जा चुकी है। माना जा रहा है कि जन्मस्थली की दशा और दिशा दोनों बदलेगी, बस इंतजार है सिर्फ बजट आने का। तो जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दोनों अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एक उनके नाम पर बिजनेस कर रहा है तो दूसरा विरोध करके अपनी पब्लिसिटी, असल काम तो कोई और ही कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।